हम तो एक ही बार जीते हैं ना, तो क्यों ना जिंदगी के हर एक पल दिल खोल कर जिया जाए। चलिए आज हम मिलकर इस खूबसूरत पूवर आइलैंड रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ आई एम सिटिंग एट पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। आई एम जुगश्री जय शर्मा फ्रॉम द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ असम इंडिया। आई लव ट्रैवलिंग। सो हमारा केरला का एक 10 दिन का ट्रिप रहा। तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद मेरे सारे वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। एंड इफ़ यू थिंक माई वीडियोस आर इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दिस इज द पार्किंग एरिया ऑफ पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। क्योंकि रिजॉर्ट एक आइलैंड पे है, गाड़ी यहीं पे पार्क करना होता है। हमें यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे बोट आएगा। बोट आने तक हम लोगों ने यहीं पे थोड़ा वेट किया। फाइनली हमें रिजॉर्ट ले जाने के लिए बोट आ गया और हम बोट पे चढ़ गए। आई एम सो एक्साइटेड टू बी एट द रिजॉर्ट। हम इस खूबसूरत सी बैक वाटर से रिजॉर्ट जा रहे हैं। केरला सीरीज के एपिसोड 7 में आप लोग पूवर बैक वाटर्स के कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ये है पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। दीज आर द फ्लोटिंग कॉटेजेस। सो वी हैव रीच्ड पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। पार्किंग एरिया से यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगा। रिजॉर्ट में आते ही इन खूबसूरत फूलों को देख के मन खिल उठा। ये है रिसेप्शन एरिया। इस रिसेप्शन एरिया को बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल वे में सजाया गया है। We were offered welcome drinks. ये है हमारा रूम, सुपीरियर लैंड कॉटेज। दरवाजे पर पूरी रिजॉर्ट की एक मैप है। So just upon entering the room, on the left side is the washroom. So we have shower cap, dental kit, that's a skin lotion, there's soap and a foam, that's a big mirror out here, and like that's the bathing area. So we have some biotic shampoo and one more soap here. Towels. So this is the room. Okay. So here's drinking water, some coffee packets, tea, milk powder, sugar, hot water jar. Here is a big mirror, restaurant menu, tissues. Here is a lovely bed. यहाँ पे एक बड़ा सा वार्डरोब है, लॉकर, टीवी, कंफर्टेबल केन सोफा, पेंटिंग्स एंड ए ब्यूटीफुल बेल्कनी कम। आई ऑलवेज प्रिफर रूम विद बेल्कनीज। एक शांत से माहौल और चिड़ियों की आवाज। I wish we had more time here.
बट टुमारो मॉर्निंग वी आर लिविंग फॉर कन्याकुमारी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने वर्कला से पूवर आए, फिर पूवर के बैकवाटर्स एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम लोग ये रिजॉर्ट में आए। अभी मैं ये रिजॉर्ट पूरी एक्सप्लोर करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि इस रिजॉर्ट के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, रिव्यूज भी बहुत अच्छा है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट माई सेल्फ। आई बुक दिस होटल थ्रू मेक माई ट्रिप। अभी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद पूरी रिजॉर्ट एक्सप्लोर करेंगे। सो द मैप ऑफ द रिजॉर्ट इज गिवन हियर। सो दिस द रेस्टोरेंट एंड किचन एरिया, दिस इज द स्विमिंग एरिया, सो दैट्स आवर रूम समवेयर 221, राइट? ओके, सो दीज आर द सुपीरियर लैंड कॉटेजेस। ओके, सुपीरियर लैंड कॉटेज, दिस साइड यू हैव आयुर्वेदा विलेज कॉटेज, आयुर्वेदा विलेज कॉटेज, आयुर्वेदा स्पा, डेंटल क्लीनिंग, आयुर्वेदा विलेज कॉटेज। सो ए कंप्लीट मैप ऑफ द रिजॉर्ट इज गिवन एंड दीज आर द फ्लोटिंग कॉटेजेस। ये है रिसेप्शन एरिया। ब्यूटिफुल फ्रेश फ्लावर्स। चलिए स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। ये है स्विमिंग एरिया। पूवर आइलैंड रिजॉर्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस रिजॉर्ट इज सो ब्यूटिफुली मेंटेन्ड। I wish I could stay one more day here, but tomorrow we are leaving for Kanyakumari. Yes, please watch my video of Kanyakumari. चारों तरफ ग्रीनरी। आज वर्कला से पूवर पहुंचते ही हम लोगों ने पूवर बैकवाटर्स घूमा और गोल्डन सैंड बीच भी विजिट किया, इसलिए रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते शाम 4 बज चुका था। यहाँ से अरेबियन सी भी दिखा जाता है। इस खुली हवा में चलते चलते इतना मजा आ रहा था, क्या बताओ। यहाँ पे कुछ लोग टग ऑफ वार खेल रहे थे। दिखाया आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे उन्होंने वाटर में फ्लावर रखा हुआ है। दैट्स द एलिफेंट रॉक, इट्स विजिबल फ्रॉम हियर। ये रिजॉर्ट एक बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे है एक टी स्टॉल, एक बहुत ही शांत सा माहौल है यहाँ पे। फ्रॉम हियर वी कैन हियर द साउंड ऑफ द वेव्स। यहाँ से सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि ये रिजॉर्ट एक आइलैंड पे है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं और यहाँ आने के लिए भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले आप लोग पार्किंग एरिया तक पहुँच जाइए, जो कि गूगल मैप पे भी है, और उसके बाद वहाँ से आप लोगों को बोट से यहाँ पे लाया जाएगा। आई विश हमारे पास एक पूरा दिन होता इस रिजॉर्ट में बिताने के लिए।
So I booked this hotel through Make My Trip. ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पे एक पूरा दिन बिताने से भी कम ही पड़ेगा. So here is a yoga center. ये योगा सेंटर सी के पास ही. दिस प्लेस इज सो क्वाइट एंड कॉम एंड यू कैन लिसन टू द सी वेव्स. यहाँ पे भी बहुत सारे सुंदर कॉटेजेस है. ये है क्वाइट जोन. अब हम एंट्री कर रहे हैं पूवर आयुर्वेदा विलेज एंड हॉस्पिटल एरिया में. ये है आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट. इस एरिया में भी बहुत सारी कॉटेजेस है और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है. ये है पूवर आयुर्वेदा हॉस्पिटल. प्यारी सी गार्डन है यहाँ पे. बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है. यहाँ पे है एक बटरफ्लाई गार्डन. अब हम आ पहुंचे किड्स पार्क में. यहाँ पे है क्यूट सी प्ले एरिया. क्यूट रैबिट्स. यहां से साइकिल हायर करके भी आप पूरी रिजॉर्ट घूम सकते हैं. यह है किड्स प्लेइंग एरिया. इतनी खूबसूरत तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है. चिल्ड्रन विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस. यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है. यहाँ पे बैठ के आप लोग किताब भी पढ़ सकते हैं. ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ आइए और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए. यहाँ पे है रेस्टोरेंट. हम जहाँ भी जा रहे थे एक से बढ़कर एक था. थैंक्स टू द होटल स्टाफ एंड द मैनेजमेंट फॉर मेंटेनिंग द रिजॉर्ट सो वेल. सो द लाइटिंग हैज स्टार्टेड. इट्स 6:30 PM. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल.
हम पहुंच गए रेस्टोरेंट के अंदर। इतनी खूबसूरत रेस्टोरेंट है। हमने कुछ इवनिंग स्नैक्स ले लिया। खाना बहुत ही टेस्टी है। फाइनली एक यादगार और खूबसूरत दिन बिताने के बाद हम लोग रूम पहुंच गए। रात को हम लोग बिरयानी खाए और सो गए। हाय एवरीवन, सो वी हैड अ वेरी गुड स्टे एट पूवर आइलैंड रिजॉर्ट और अब हम लोग कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कन्याकुमारी घुमाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमें बोट से लाके फिर पार्किंग एरिया में ड्रॉप कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे केरला ट्रिप के सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाय बाय।